कोटा कोलार गोल्डफील्ड्स के ये ऐतिहासिक अचीवमेंट्स केजीएफ 2 में हमें देखने को मिलेगी। क्यों हेरिटेज बनने लायक यह जगह बन गई है इंडिया की लेसर नोन प्लेसेस का हिस्सा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म केजीएफ 2 से रिलेटेड कुछ अनकही और अनसुनी बातों के बारे में। दोस्तों 2009 में जब प्रशांत के केजीएफ की अनाउंसमेंट हुई थी, तब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई थी कि आखिर फिल्म का नाम केजीएफ क्यों है, क्या ये फिल्म के लीड का कोई निकनेम है या KG3 जैसी किसी बड़ी लाइन का एब्रिविएशन है। पर किसे पता था कि यह नाम उस जगह से रखा गया है जहां से ये फिल्म की कहानी शुरू होती है और जहां पर एंड होती है, जिसे पाने के लिए कोई किसी का भी द एंड करने को तैयार हो जाता है, द कोलार गोल्डफील्ड्स। उसके बाद इंटरनेट पर शुरू हुई इस जगह की खोज कि वाकई कोई ऐसा इंडियन एल डोराडो नामक जगह एग्जिस्ट करता है या नहीं। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको इस जगह के बारे में कई खास बातें बताई थी। आज के वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आपको बताते हैं कि अगर इस जगह की इन सभी खासियत पर फोकस किया गया तो केजीएफ 2 की कहानी का नया मोड़ देखने को मिल सकता है। इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो का। क्या आप जानते हैं कि जापान के बाद केजीएफ एशिया का पहला इलेक्ट्रिसिटी पाने वाला शहर था? एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन सिवाना समुद्रा से यहाँ गोल्ड माइनिंग के प्रोसेस को इजी करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी। फिर धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दी गई और यहाँ इतनी बढ़ गई कि एक दिन पूरे बेंगलुरु को इलेक्ट्रिसिटी दी जाने लगी। इतना ही नहीं, यहाँ के गोल्ड माइंस के 8000 फीट गहराई में एक साइंटिफिक लेबोरेटरी भी बनाई गई है जहाँ कॉस्मिक रेस पर रिसर्च की गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के इकलौते नोबेल विनिंग साइंटिस्ट अबसुद सालम भी इस लेबोरेटरी में आए थे। हालांकि इतने सारे उपलब्धियों के बावजूद भी इस जगह को भुला दिया गया इतना ज्यादा कि आज यहां के रहने वालों की जिंदगियां तकलीफों से बीत रही है। जिस जगह से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जैसी प्रिविलेज फैसिलिटी की शुरुआत हुई थी, वहां आज इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है। पब्लिक टॉयलेट्स और ड्रेनेज सिस्टम जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ के वर्कर्स जॉब के तलाश में दर दर भटक रहते हैं और यही है गोल्ड से मिट्टी तक का इस रियल लाइफ कोलार गोल्ड फील्ड्स का सफर। बात करें अगर केजीएफ 2 की तो आपको बता दें कि केजीएफ की रियल कहानी फिल्म में दिखाई गई है, तो हो सकता है कि केजीएफ में हुए ये डेवलपमेंट्स ही रॉकी और रमिका के बीच तकरार का कारण बने। जाहिर है कि रॉकी अपने साम्राज्य में लेबोरेटरी प्लांट नहीं करना चाहेगा क्योंकि इससे वहाँ की खेती और एनवायरमेंट पर बुरा असर हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए रमिका भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होगी और इस कारण से दोनों एक दूसरे से विरोधी बनते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है कि फिल्म में रॉकी की मौत के बाद केजीएफ की करंट कंडीशन को उसके चले जाने के अंजाम के रूप में दिखाया जाए। अब हमें कमेंट कर आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस रियल स्टोरी को प्रशांत नील अपनी कहानी में जोड़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।